लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ियाद, उम्मीद है आप दोस्त भी खैरियत से होंगे। साथियों, हर रोज बकरा और बकरी की सेल की वीडियो लेके आता हूँ, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है किसी दिन आपके मतलब की भी कोई बकरी या बकरा दिख जाए मेरे चैनल पर, जिसे आप आसानी से परचेज कर सकें। दोस्तों, आज एक बरबरी के लाट की आपको वीडियो दिखा रहे हैं। इसमें 17 बरबरी बकरियाँ हैं। ये लाट हमारे यहाँ आया है, ये नया लाट है। ये आप दोस्तों को दिखाते हैं कितनी बकरियाँ हमारे पास हैं और कौन कौन सी बकरी है और क्या इनकी डिटेल है। दोस्तों, ये देखें बरबरी की ये विकासी है, बहुत ही अच्छे कलर में ये बकरी है। ये देखें, ये बकरी दूसरी बार प्रेग्नेंट है, 2 महीने से ऊपर की बकरी प्रेग्नेंट है। ये देखें एक पंजाबी बरबरी बकरी है। ये देखें, अच्छे कलर की और खूबसूरत ये बकरी है। ये 8 दांत की बकरी है। ये देखें दोस्तों, ये 8 दांत की बकरी है और ये 2 बार बच्चा दे चुकी है, 3री बार ये बकरी प्रेग्नेंट है। ये देखें दोस्तों, ये पंजाबी बरबरी बकरी है, ये भी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये देखें, और ये देखें एक बकरी है, छोटी बकरी है। इसमें कम दाम की भी बकरी है और इसमें बड़े दाम की भी बकरी है। ये देखें, ये एक ब्रीडर है, ये 8 दांत का ब्रीडर है और अच्छा एक्टिव ये ब्रीडर है। ये देखें, ये एक और बकरी है, दूध वाली बकरी है। ये देखें, पंजाबी बकरी है, ये दूध वाली है। और भी बकरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, इस बकरी के साथ में ये 2 बच्चे हैं, एक मेल है। ये देखें, एक मेल है और एक फीमेल है। ये बकरी देखिए, ये बकरी 3 बार बच्चा दे चुकी है और फिलहाल ये बकरी खाली है। ये बकरी देखें, रॉकेट ईयर की ये बकरी है, बहुत ही शानदार और बड़ी अच्छी बकरी है, बड़ी हैवी वेट की बकरी है। ये भी बकरी प्रेग्नेंट है। ये देखें, ये दूध वाली बकरी है, 1 लीटर तक इस बकरी में दूध है। ये देखें, ये बकरी है, छोटे कद की रॉकेट ईयर की ये बरबरी बकरी है। देखें, काफी खूबसूरत अच्छे कलर कॉम्बिनेशन की बकरी है, बकरी प्रेग्नेंट भी है और अभी ये बकरी दूध दे रही है। देखें, एक बकरी और मैं आपको दिखा रहा हूं, जो पंजाबी बकरी है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी बकरी है। देखें, रॉकेट ईयर की ये पंजाबी मुंडी बरबरी है और ये पहली बार ये बकरी प्रेग्नेंट है। 4 दांत की ये बकरी है और ये पहली बार प्रेग्नेंट है। ये देखें, बहुत ही शानदार और खूबसूरत बकरी है। एक और बकरी ये देखिए, ये देखें, जलाइए, ये देखिए, ये बकरी बहुत ही शानदार बकरी है। गाड़ी में आने की वजह से थोड़ा चोटिल हो गई है बकरी, रॉकेट ईयर की बकरी है, थोड़ी थकान भी है। रात में आने के बाद इंजेक्शन दवा इलाज इसका हुआ है। ये देखें, ये एक और बड़ी बकरी है, ये सारी बकरियों का लाट है। इधर भी ये देखिए, ये 3 महीने से ऊपर की सफ़ेद बकरी जो आप देख रहे हैं, ये 3 महीने से ऊपर की बकरी प्रेग्नेंट है और देख सकते हैं आप, ये थन बकरी बनाने लगी है। ये देखें, एक बार ये बकरी बच्चा दे चुकी है और ये बकरी 4 दांत की बकरी है। ये देखें, ये 4 दांत की बकरी है। देखें दोस्तों, तो ये देखें, ये पंजाबी बकरी है। बकरी आने के बाद दोस्तों क्या इलाज होता है, कई हमारे दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि ज़ियाद भाई, बकरी आपके यहाँ महंगी पड़ती है, बकरी अच्छी होती है मगर बकरी आपके यहाँ महंगी पड़ती है। अच्छी चीज़ दोस्तों सस्ती नहीं मिलती और बकरी आने के बाद हम लोगों का खर्च भी होता है, तो खर्च होने पे बकरी पे ही वो खर्च ऐड किया जाता है। खर्च क्या होता है, जैसे जिस दिन हमारे यहाँ बकरी आती है उस दिन से लेके 4 से 5 दिन हम लोग बकरियों को, जो इंजेक्शन लगाने वाली बकरी होती है उसको इंजेक्शन लगाते हैं, जिनको दवा खिलाना होता है उनको दवा खिलाते हैं। और इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, पहले हम चेक करते हैं बकरी को बुखार है कि नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, बहुत
ये देखें दोस्तों, ये बकरी है, भाव अंदर आओ। ये एक बकरी है, ये इसका बाल फूटा हुआ है, पोछ इसकी अंदर की तरफ है। इस बकरी को इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, ये देखें, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ज़ीरो कर लीजिए और इसको ऐसे इसके पिछले हिस्से में लगा के ऊपर उठाए रहिए, ये पता चल जाएगा कि बकरी को बुखार है कि नहीं बुखार है। उस हिसाब से इसको आप, बुखार अगर ज़्यादा है तो इंजेक्शन लगाइए, बुखार ज़्यादा नहीं है तो इसको दवा खिलाइए, क्योंकि इंजेक्शन बार बार लगाने से बकरी ख़राब भी हो जाती है। अभी इसका सारा जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर मापी यंत्र में आ जाएगा कि इसको बुखार है या ये माइनस में है। कई बकरियां ऐसी भी होती हैं जो सुस्त खड़ी रहती हैं दोस्तों, उनका टेम्परेचर माइनस में भी होता है, तो माइनस वाले बकरी को अलग उसका इलाज होता है, और जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये देखें दोस्तों, ये इस बकरी का माइनस में टेम्परेचर है, ये देखें 100.8 है इस बकरी का टेम्परेचर, ये देखें दोस्तों। इसका इलाज दूसरे तरीके का रहेगा, जिस बकरी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका इलाज दूसरे तरीके का होता है। ये देखें दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि ये आप दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये एक इंजेक्शन 173 रुपये का है, देखें मोनोसेफ SB यानी ये सलबूटा माल वाला इंजेक्शन है सलबेक्टम का। ये एक बकरी को, जो बड़ी बकरी है उसको 1 ग्राम लगाना है, तो आप ये अपने आप इसे देख सकते हैं कि एक बकरी को 3 इंजेक्शन मैं लगाता हूँ। ये देखें, ये एक इंजेक्शन है जिसमें पैरासीटामॉल वाला ये इंजेक्शन है, दर्द बुखार सूजन वाला, और ये जीट है। ये लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि ये भी इन्फेक्शन वाला होता है। ये एक बकरी को लगाना होता है दोस्तों, ये 3 से 5 दिन ये हमारे यहाँ ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद दोस्तों डिवर्मिंग किया जाता है, डिवर्मिंग के बाद बकरियों को PPR किया जाता है, उसके बाद बकरी बिकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे यहाँ बकरी गाड़ी पे से उतर रही है और गाड़ी के बाद ही बकरी सेल होने लगती है। गाड़ी से बकरी उतरने पे जो बकरियाँ सेल होती हैं, 70 से 80% लोगों के यहाँ जाके, वो जिनके यहाँ ये जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये खुद पता होगा कि जब बकरी उनके यहाँ जाती है तो ज़्यादातर बकरियाँ उनके यहाँ बीमार रहती हैं। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे या जो लोग मुझसे बर्बरी बकरियाँ या जो अलग तरह की बकरी वो लेते हैं, वो ये नहीं कहीं आप उनको सुनेंगे कि ज़ियाद भाई के यहाँ से बकरी आई थी जकी गोट फार्म से, तो बकरी आके हमारे यहाँ बीमार पड़ गई। एक चीज़ हो सकती है मेरे यहाँ के बकरी में या किसी के यहाँ के बकरी में कि ये देखें दोस्तों, ये एक बकरी है, इस बकरी को मुझको अगले फार्मर ने बताया है कि ये बकरी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका मैंने दवा इलाज कर दिया, दवा इलाज करने के बाद जब मैंने इसी किसी फार्मर को सेल किया तो ये बकरी जाके फिर से रिपीट में हो सकती है, ये शिकायत आ सकती है। लेकिन कोई फार्मर ये नहीं कहेगा मेरे यहाँ से बकरी ले जाने वाला कि बकरी ज़ियाद भाई के यहाँ थे, मैं लाया और बकरी मेरे यहाँ आके बीमार पड़ गई या उसे PPR हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे अच्छा बकरी सेल करने वाला हूँ या सारी जानकारी मेरे ही पास है, लेकिन जो नए लोग हैं या जो बकरी सेल करने वाले हैं वो ये वीडियो अक्सर देखते हैं तो कमेंट करते हैं उसमें कि बकरी आपकी महंगी है। बकरी महंगी किसी की नहीं होती है। ये बकरी है, अभी इस बकरी की कीमत मैं आपको बताऊंगा कि बकरी 12 से 13 हज़ार रुपये का है। तो जो बकरी लेने वाला नहीं आदमी है, जो वीडियो देख के मज़ा लेने वाला आदमी है, तो वो ये कहेगा कि बकरी 8,000 रुपये कीमत वाली है, आप 12,000 रुपये मांग रहे हैं। लेकिन जो लेने वाला आदमी है, मैं उसको 13,000 कहूँगा, 200-400-500 मुझसे कम करवा के बकरी परचेज कर लेगा। क्योंकि जो वीडियो देखने वाले सारे लोग बकरी लेते नहीं हैं, कमेंट करने वाले सारे लोग जानकार नहीं होते हैं। तो इस वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो हमारे यहाँ बकरियाँ आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो पार्टी देती भी है, कभी ऐसा इत्तेफाक होगा मैं उनसे बात होगी तो मैं बात करके भी आप दोस्तों को दिखाऊंगा कि जो हमारे यहाँ बकरी आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अच्छी उसकी सेल है, और हर हफ्ते में बकरी आती है। जो एक बकरी आती है वो दूसरे जगह रहती है, उसके बाद जो एक लाट आता है वो अलग जगह रहता है, क्योंकि उसका अलग से ट्रीटमेंट करना होता है। ये बकरियाँ जो ट्रीटमेंट वाली होती हैं दोस्तों, ये इलाज वाली बकरी होती हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।